हेलो फ्री फायर लवर्स, क्या हाल है? आप सभी के हो फुली आप सभी बहुत बहुत बढ़िया और मस्त होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहना। गाइस यार भाई, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि गाइस आप लोग ब्राजील सर्वर के अकाउंट कैसे बना सकते हैं, वो भी कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एंड कोई भी वीपीएन को डाउनलोड किए बिना। और भाई आपको तो पता ही होगा, यहाँ पे जो ब्राजील सर्वर है वहाँ पर हमको कितने ढेर सारे रिवार्ड एकदम से फ्री में मिलते रहते हैं। तो गाइस आप लोग समझ सकते हैं ये वीडियो आप सभी फ्री फायर प्लेयर्स के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड कितना ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी के साथ साथ अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तब आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सिलेक्ट कर दो, बिकॉज गाइस आपका भाई आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता है। वेल गाइस, आपको ब्राजील सर्वर के अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर आपको अपनी गेम की सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक कर देना है, और यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने लैंग्वेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जिसको कि अभी आप लोग देख लो। तब आपको यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहां पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर बहुत सारी लैंग्वेज आ जाएंगी जिनको कि अभी आप लोग देख सकते हो। तब भाई आपको सिंपली इस लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करना है जिसको कि अभी आप लोग देख लो। गाइस यहां पर ये जो पीछे लिखा हुआ है ना, अभी आप लोग देख सकते हैं, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके ओके करना है, एंड इसके बाद अब आपको यहां से इसको कंफर्म कर देना है। और भाई कंफर्म करने के बाद अब आपको यहां से अपने अकाउंट को लॉग आउट कर देना है, और अकाउंट को लॉग आउट करने के बाद अब आपको यहां से अपने गेम को क्लोज कर देना है, और गेम को क्लोज करने के बाद अगेन से आपको अपने गेम को ओपन कर लेना है। तो भाइयों अभी आप लोग देख सकते हैं हमने यहां से अपने गेम को अगेन से ओपन कर दिया है। हाँ तो भाइयों अभी आप लोग देख सकते हैं यहां पर जो हमारा गेम है वो कम्प्लीटली ओपन हो चुका है, और गेम को ओपन करने के बाद यहां पर इसकी जो लैंग्वेज है वो आपको चेंज दिखाई दे रही होगी, लेकिन आपको इसकी कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका भाई अभी आपको इसको पूरा ठीक करवा देगा, ठीक है। तो भाइयों अभी चलो मैं आपको बताता हूं कि आपको ब्राजील सर्वर के अकाउंट बनाने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। वैसे तो गाइस आपको ब्राजील सर्वर के अकाउंट बनाने के लिए आपके पास कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एंड कोई भी वीपीएन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली, लेकिन भाइयों आपको ब्राजील सर्वर के अकाउंट बनाने के लिए आपके पास कोई फ्रेश अकाउंट होना चाहिए जिसमें कि आपने अभी तक अपनी गेम की आईडी को नहीं बनाया। लाइक अगर आपके पास कोई फ्रेश फेसबुक का अकाउंट है जिसमें कि आपने अभी तक अपनी गेम की आईडी को नहीं बनाया, तब आपको सिंपली उसको लॉग इन कर लेना है। और इसी के साथ साथ अगर आपके पास कोई गूगल वी के ट्विटर का फ्रेश अकाउंट है जिसमें कि आपने अभी तक अपनी गेम की आईडी को नहीं बनाया, तब आपको सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना है। और हाँ, इसी के साथ अगर आपके जो गिफ्ट के अकाउंट है वो डिलीटेड है तब आप लोग गिफ्ट के अकाउंट से भी जा सकते हो। तो भाई वो मेरा जो गिफ्ट के अकाउंट है वो अभी तक नहीं बना हुआ, और मैं अपने गिफ्ट के अकाउंट को डिलीट भी कर देता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर अपने गिफ्ट के अकाउंट से जाने वाला हूँ। और साथ में गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता कि आप लोग गिफ्ट के अकाउंट को कैसे डिलीट कर सकते हैं, तब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी जिस वीडियो को देख करके आपको पता चल जाएगा कि आप लोग अपने गिफ्ट के अकाउंट को कैसे डिलीट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक कर लेना। तो भाइयों मेरे केस में मेरे पास यहाँ पर गिफ्ट के अकाउंट है, तब मैं यहाँ पे सिंपली गिफ्ट के अकाउंट में क्लिक करता हूँ, लेकिन अगर आपके पास कोई फेसबुक गूगल वी के ट्विटर के अकाउंट हो तब आप लोग वहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर गिफ्ट के अकाउंट में क्लिक कर दिया, एंड इसके बाद अब आपको यहाँ पे टैप टू बिगिन के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो देखो भाई जब आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे तब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आने वाला है। यहाँ पर आपके सामने टोटल 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। तब आपको यहाँ पे ये सबसे नीचे वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो नो वोटा टाइप का लिखा हुआ है सभी आप लोग देख लो, यहाँ पर लैंग्वेज चेंज है तो यहाँ पे कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो कुछ कन्फर्म टाइप का लिखा हुआ है तब आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है जो भी आपको नेम हो। तो भाइयों मैं यहाँ पर अपना नेम नहीं लिखने वाला, लेकिन आप लोग यहाँ पर अपना नेम अच्छे से लिख सकते हैं। और नेम को लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे इसी के नीचे इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है वो मोस्ट टाइप का भी आप लोग देख लो, तब आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और भाइयों जब आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे तब आपके सामने थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस लेयर आने वाला है जिसको कि अभी आप लोग देख लो। यहाँ पर आपके सामने टोटल 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, इंडिया, ब्राजील और यूरोप। तो भाइयों हमको यहाँ पर ब्राजील सर्वर के अकाउंट बनाना है, तब आप लोग यहाँ पे बीच वाले ऑप्शन में क्लिक करना ब्राजील में, एंड इसके बाद आपको इसी के नीचे यहाँ पर ये जो कन्फर्म टाइप का लिखा हुआ है आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। और जब आप लोग यहाँ पर ओके के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तब आपके सामने एक छोटा सा गेम ओपन हो जाएगा। तो अभी मैं उस गेम को फिनिश करके आ रहा हूँ। हाँ तो भाई अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे सामने एक छोटा सा गेम ओपन हो
गया था, हम लोग सिंपली उसको फिनिश करके आ चुके हैं। और भाई अभी चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ब्राजील सर्वर के अकाउंट है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ पर अपनी गेम की सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक करते हैं, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद भाई अभी आप लोग यहाँ पे सबसे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे ब्राजील लिखा हुआ आ चुका है, जिसको कि अभी आप लोग देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको इसकी लैंग्वेज को ठीक करना है तब आपको सिंपली इस ऑप्शन में क्लिक करना है, ठीक है। अभी आप लोग देख लो, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है, एंड इसके बाद अब आपको यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी के ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद आपको ओके करना है, ओके करने के बाद आपको यहाँ से एक बार कंफर्म कर देना है, और कंफर्म करने के बाद आपको अपने गेम को एक बार फिर बंद करके अगेन से चालू कर लेना है, जिससे भाई आपके जो गेम की लैंग्वेज रहेगी वो अगेन इंग्लिश लैंग्वेज में हो जाएगी। आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा कि आप लोग ब्राजील सर्वर के अकाउंट कैसे बना सकते हैं, वो भी कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एंड कोई भी वीपीएन को डाउनलोड किए बिना। तो भाइयों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी के साथ साथ अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तब आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, बिकॉज गाइस आपका भाई आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता है। मैं मिलता हूँ आप सभी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।